ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा। आज का हमारा जो सफर है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपको चीकू का पेड़ दिखाऊं तो ये हमने कराया है सेकंड एसी में, का बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंस वाला बहुत अच्छा बॉडी वॉश है। घर में कब्जा कर लिया इन्होंने। तो बाबा हमने निहारी पैक करा ली है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं निकल पड़ा हूँ मदहा की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं शाहीन बाग नहारी लेने, और भी बहुत सारा काम करना है, पैकिंग करनी है, तो वो भी सारी चीजें करेंगे। ऑफिस से सीधे आए हैं, गर्मी बहुत है, उमस बहुत है। ये है आपका शाहीन बाग का एरिया जहाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ और आप सबसे रूबरू होता रहता हूँ। ये सामने कालिंदी कुंज वाला मेन रोड है और ये सीधा आपका जाता है नोएडा की तरफ। लाइन से यहाँ पर आपको शोरूम मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत अच्छे कलेक्शन मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर आपको सस्ते लेना है तो साइड में भी शॉप्स लगे, वहाँ से भी आप ले सकते हो। गए अपना फेवरेट शाहीन बाग, मतलब जावेद नहारी। भैया हमारा पैक हो गया है आपका। तो बाबा अब हमने नहारी पैक करा ली है एंड अभी चलते हैं। आज बहुत सारा काम करना है और पैकिंग भी करनी है, बाल भी कटाने हैं, दाढ़ी भी बनवानी है। मतलब काम के लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे आधा घंटा बोलने में लग जाएगा। और यहाँ पर हम तैयार करा रहे हैं कि खड़ा पिसवा के गरम मसाला। तो यहाँ बहुत अच्छा मसाला मिलता है और ये गरम खड़ा होता है, फिर इसको पीस देते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो ये बहुत अच्छा और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। देखो सब कुछ डाल रहे हैं और ये 250 रुपये पाव पीस देते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा खड़ा भी लिया है मिलाकर, यानी सारा थोड़ा थोड़ा दे देंगे तो ये खड़ा मसाला भी हो जाएंगे। ज़रूरत है हमारे सोसाइटी के नन्हे से सब्सक्राइबर है और सब बढ़िया है जी। चलो बढ़िया है। मैंने व्लॉग में ये चीज़ दिखाई थी तो देखिए इसमें ये निकले हैं। एंड ये आपका बहुत अच्छा ब्रांड है पल्मो लाइफ का, इसका बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाला बहुत अच्छा बॉडी वॉश है। तो ये है एंड ये है, ये इसमें 5 पीसेस हैं, मतलब पीसेस नहीं, इसके डिफरेंट डिफरेंट इनके फ्रेग्रेंस के साथ में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हैं। तो अब देखो कि मैं कौन सा फ्लेवर यूज़ करता हूँ पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये 5वें जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसका बॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और ये बहुत हैवी है। मतलब ये आपका जो है ना 250 ml का एक है और इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी अमेज़ॉन से या फिर आप फ्लिपकार्ट से। ये देखिए पल्मो लाइफ इज बिग ब्रांड। और ये देखो ये मेहमान हमारे, हाँ क्या है, क्या है तुम हो अम्मा इसकी हैं? उस दिन रात में जो है ना ये मेहमान आई थी, आज देखो पूरी फैमिली के साथ आया है, पूरी फैमिली आ गई। आ जाओ तुम, आ जाओ मेरे बच्चा। कब्जा कर लिया मेरे घर में, कब्जा कर लिया इन्होंने, पूरी फैमिली ने कब्जा कर लिया। ये देखो ये आ गई, वो भाग रही हैं। ये देखो ये कब्जा कर लिया। अब ये देखो कितनी प्यारी बेटू है, ये कितनी प्यारी बेटू है। ये वाली सीधी है, वो वाली भाग गई। ये भी बहुत सीधी है। चलो तुम कहाँ हमारे यहाँ टहल रही हो? कुछ नहीं है खाने के लिए, सीधी ये है। हाँ अभी चलते हैं बाल और बियर्ड सेट कराने। जल्दी बियर्ड और बाल सेट करा के हम निकल आए हैं ऑफिस के लिए। और अभी जा रहा हूँ मैं ऑफिस, टाइम से आज जुमा भी है तो आज जुमा पढ़ने भी जाएंगे। और ये मोदा तक का सफर रहेगा, इस बार हमने कुछ स्पेशल टिकट ही कराए। चलते हैं सीधे, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो हालत खराब हो जाती है। भागम भाग। गए शाहीन बाग नमाज पढ़ने। आज जुमा, आप सबको जुमा मुबारक हमारी तरफ से, अयाज सर की भी तरफ से जुमा मुबारक हो। एंड ये अपना शाहीन बाग और आज ही हमें निकलना है मौदा के लिए। तो नमाज पढ़ के खाना खा के फिर निकलेंगे रहे हैं। देखिए तमाम नमाज ये निकल रहे हैं यहाँ से, और जैसे नमाज से निकलते हैं ना वैसे यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। प्याज डाल देना इसमें भाई, बिरयानी खाओ प्याज ना तो मज़ा कमज़ोर हो जाता है। तो चाचा से कह रहे हैं, अरे इसी में डाल दो, इसी में डाल दो। प्याज डलवा ली है और अब चल रहे हैं हम सीधे। हेलो ऐसे आएगा। चलो लोग ऐसे पीछे से हाथ हिलाएंगे जैसे कैमरा करो ना, तो एकदम नई नई दुल्हन की तरह शर्मा के भागेंगे। और यहाँ ऑफिस में आकर यहाँ हो रहा है हमारा लंच, ये है बिरयानी और ये है हमारी चाय। तो बस पीते हैं भाई। फाइनली हमारी तैयारी हो गई है कंप्लीट, हम ऑफिस से भी आ गए थे। एक बैग ये है हमारा एंड एक ही बस, दो ही अदद है हमारे और तीसरा हमारा नहारी का। चलो तुम्हें मोदहा के सफर करा के लाते हैं। और हजरत क्या हाल है? तो यहाँ रॉयल बिरयानी से हम पैक करा ले रहे हैं अपने लिए बिरयानी, क्योंकि वहाँ तो हड्डी हड्डी ट्रेन में सही नहीं रहेगा। हाँ बिना हड्डी वाले डाल देना, बढ़ा देना चावल, चाय कम देना।
ले ली है बिरयानी। आज भी बहुत ज्यादा गर्म है, रैपिडो को बुक कर दिया है, हमारी रैपिडो आ रही है, तो रैपिडो आ गई है। ये हमारा बैग, भाई हेल्प कर रहे हैं। आज हवा चल रही है, कल तो बहुत ज्यादा गर्म थी, शुक्र है कि आज बहुत अच्छी हवा चल रही है और जो सफर है वो एकदम सुहाना हो रखा है। बस बारिश ना हो जब तक हम पहुँच में जाए, लगे बहुत मजेदार सफर। यह है दिल्ली का निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी मिलेगी संपर्क क्रांति। पहुँच गए हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन एंड अब निकलते हैं। आज थोड़ा सा आने में थक गए। बस भैया पेल दोगे क्या? ना ना ना, इतना हम ना उठा पाएंगे तब फिर क्या, जवानी में इतना तो उठा ही सकते हैं। गाइस अब आज हमने कराया हुआ है, हमेशा हम अभी तक गए हैं तो थर्ड एसी में गए हैं, लेकिन इस बार टिकट ना होने की वजह से हमने कराया है सेकंड एसी में, और इसी बहाने हम सेकंड एसी का भी मज़ा ले लेंगे। तो ये मेरा पहला सफ़र है सेकंड एसी में, दिल्ली टू निज़ामुद्दीन मतलब मोदा। चलने वाली चटाई में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सो यहाँ पर आपको चीकू का पेड़ दिखाऊँ तो ये चीकू है, और ये अमरूद है, ये गुलाब है, तीन ही पेड़ हैं। अच्छा, अलग अलग, ये जो अंदर से लाल होती है वाली अमरूद है, और ये चीकू का पेड़ है, जिसमें इसमें जो है ना छोटी छोटी बर्ड्स भी आ रही हैं, आप ये देखो। हाँ, बट ये भी सारी बर्ड्स झड़ जाएंगी जब ये लगेगा। दूसरे प्लांट लवर को ऐसे प्लांट देखे ना तो उसकी जानकारी लेना थोड़ा सा स्वाभाविक हो जाता है। सो आंटी भी साथ में हमारे, चलो बढ़िया है। रेल भी क्लिक कर लिया एंड थैंक यू भाई फोटो क्लिक करने के लिए। अगली हमारी ट्रेन और हमारा है 82 में, तो 82 के लिए चलते हैं, और मुझे लगता है ना 8 शायद आगे है, ये तो 26 है, आगे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा है सेकंड एसी में 82 में, और नहीं 83 में है शायद, हाँ 83 में है। इस बार मज़े ले लेते हैं आप, और भाई का सूट अच्छा लग रहा है। ये आ गए हम अपने सेक्शन पे, हमारा है 28 आई थिंक हमारा है अपर, तो ये वाली है बर्थ हमारी, मतलब आज तो मजा आ जाएगा। सोचो बैग उतारते हैं यार, देखिए बड़ा सुकून है ना, एकदम ठंडा ठंडा एसी मजेदार। आज का हमारा जो सफर है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसके बाद के सारे व्लॉग बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। एक तो ये की ऑफकोर्स मुहर्रम का जो मेन मज़ा तो नहीं, जो मेन आप कह सकते हैं जो मेन खुशबू है हमारे मौदहा से आती है हमेशा, लाखों का मजमा होगा, तो पूरे व्लॉग्स देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको कि बहुत अच्छी तरह से कवर करने की। तो ये सफ़र हमारा शुरू हो चुका है एंड बस सीट लेंगे। सेकेंड एसी की मैं बता दूँ कि इसके जो सीट्स हैं ना ये भी आपको थोड़ी सी जो है ना आपको चौड़ी मिलेंगी, एंड इसमें तीन नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ आपके दो सीट यानी कि दो लोग के लिए होते हैं, तीन नहीं होते, तो आप नीचे अगर भी है ना तो आप सुकून से बैठ सकते हैं, आपको ऐसे करके नहीं बैठना पड़ेगा, तो ये यहाँ का बेनिफिट है सेकंड का। वो काफी चौड़ी है कि दो लोग भी सो सकते हैं एक साथ, वैसे दो लोग अलाउ नहीं है, गंदी बात। तो व्लॉग को एंड तक देखें, और एक खास मैं आपसे बात करना चाहूंगा भाई, अगर मेरे व्लॉग आपको बाकी अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और मुझे अपडेट भी करें, मुझे फीडबैक भी दें कि मेरे सब जो व्लॉग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, आपको कैसे व्लॉग चाहिए। कोशिश करूंगा मैं आपको जितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ में चीजें डिलीवर कर सकूं, जितना ज्यादा अच्छी चीजें डिलीवर कर सकूं। चलो अब सफर शुरू करते हैं, रख देते हैं यहाँ आ जाए, ये रख देता हूँ, इसमें खाना है ना, ये रखे हैं, और ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे साथ में। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करोगे फेमस। सो मैं व्लॉग बनाता हूँ, ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा, दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा तुम्हारा। ठीक है, थैंक यू। दिल्ली से हो? हाँ, निजामुद्दीन। अच्छा, निजामुद्दीन से। और जो शकुंतला नहीं है जो वो चिल्ला के बोलती कि खाना खा लो पराठा लाए हैं, उनके साथ ये वीडियो बनाई है, फेमस हो गई है ना। चलो गुड, दुआएं तो देती जाओ मालिक। बहुत सारी चीजें होती हैं समाज में, अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेरी अम्मी ने कहा था कि जब ऐसा हो ना तो उनको मतलब कुछ ना कुछ जरूर किया करो। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं, और यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लिया हमारा चैनल, लेकिन देखिएगा ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब सिर्फ कर लिया देखे ना, क्योंकि क्या ना बहुत सारे सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन देखते नहीं, जिसकी वजह से व्यूज डाउन हो जाते हैं, तो सब्सक्राइब के साथ साथ आप देखा भी करिए। क्या नाम भाई आपका? अमित यादव। अमित यादव इनका A2 में है और हमारा A3 में, इनके लक से जिगर है, तो यहाँ साथ में खाना खाने आए हैं। अभी हम लोग जब ट्रेन चलने लगी फिर हम लोग ऊपर खाएंगे, और यह हम कर रहे हैं अपना डिनर, अपनी लाई हुई बिरयानी जो कि बहुत अच्छी थी।
गर्म बिल्कुल। चलो भाई ये है चाय, क्योंकि सर में हो रहा है मेरा दर्द। हम पहुंच गए हैं मोहब्बा और स्पीड से निकलते हैं आज, फिर एक घंटे लेट हो गई है। जो रात वाली ट्रेन है ना, पूरी रात खराब कर देती है। मैं 1 बजे से जग रहा हूँ और नींद भी नहीं है, सर में दर्द होने लगा। ये है हमारा मोहब्बा जंक्शन, मोहब्बा बस स्टैंड। कुछ खाने के लिए भूख लगी है बहुत तेज। तो ये सामने शॉप है। हमारे समीर भाई भी मिल गए हैं ले से, और यहाँ पे हमारे आबिद भाई भी मिल गए हैं। और कैसे चल रहे हैं सब? बस बढ़िया। ले का माहौल कैसा है? बढ़िया मौसम, ये सही है। आप ले और कश्मीर जॉब्स ऐसी होती है जिसमें आपको बड़ा मजा आता है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो और आज हमारी ट्रेन में टाइम तो क्या 1 घंटा लेट थी। अम्मी हमारे इंतजार कर रही होंगी। भाई अम्मी सामने खड़ी हैं। मुस्कुराहट अम्मी की। अस्सलाम वालेकुम। हाँ चले गए गति जा कुआं पे आ गए। मोहब्बत से मिल जाते वहां से तो मैं अकेले आऊं। ये कह खै घुमा ही पड़े भाई। अच्छा हाँ आ गए हैं घर। और ये रही अम्मी, और ये हमारा छोटा सा गरीब खाना, हमारा आशियाना घर। और आपने देखा कि अम्मी आते ही कितना ज़्यादा खुश हो जाती है, एकदम चेहरे पे स्माइल, और जब जाते हैं तो ऑफकोर्स बहुत उदास रहती हैं। प्यारा सा सफ़र था हमारा दिल्ली से मौधा तक का, बहुत सुहाना सफ़र था, बहुत प्यारा सफ़र था। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार एंड लव एंड सपोर्ट करने के लिए। तो बस इसके बाद जितने भी ब्लॉग्स होंगे तो वो मौधा और मुहर्रम से रिलेटेड होंगे, तो आप सब में बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। जो ब्लॉग आ चुके हैं उनमें भी प्यार दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। और आपको भाई इंस्टाग्राम में बहुत प्यारे प्यारे मैं कॉन्टेंट डालता रहता हूँ, तो बस जल्दी जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर ले, वहाँ भी प्यार सपोर्ट दें। मिलते हैं आपसे सीधा नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ है, अल्लाह हाफिज़।